हेलो गाइस, सो कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड न्यू अनदर व्लॉग। तो गाइस, आज का हमारा व्लॉग होने वाला है, हम आज आसम दराज की साइड जाने वाले हैं। तो गाइस चल के देखते हैं आज क्या सीन होने वाला है, कहाँ कहाँ जाएंगे। तो चलिए गाइस चलते हैं। तो गाइस हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, अब तैयार होने वाला है, तो उसके बाद चलते हैं कैंटीन तरफ। तो गाइस प्रियांशु आ चुका है, चलते हैं कैंटीन की तरफ। और बोटिंग अगर तो चालू हुई तो बोटिंग भी करके आएंगे, देखते हैं। चलिए देखते ना, इसमें बोटिंग नहीं फिर वो स्विमिंग हो जाएगी बोटिंग में भीगने के लिए। गाइस बोटिंग तो फिलहाल स्टार्ट नहीं है, देखते हैं जो होगा वो करते हैं। तो गाइस घूमने आए थे हम आसन बैराज की साइड, चलिए दिखाते हैं आपको, नीचे की तरफ चल के भी दिखाते हैं नीचे से इसका बैराज का क्या सीन होने वाला है। चलिए नीचे की तरफ होके आते हैं, आज देखते हैं आगे क्या है। तो गाइस रास्ते काफ़ी ख़राब हैं लेकिन कोई नहीं, नीचे जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं हम, कहाँ से होगा। तो गाइस देख सकते हैं आप आगे रास्ते थोड़े ख़राब आ रहे हैं कुछ ज़्यादा ही, देखते गाड़ी निकल पाएगी निकल पाएगी, लेकिन इट्स वेरी इजी, लेकिन हर किसी के लिए नहीं है गाइस। गाइस जितने आगे तो हम आ चुके हैं लेकिन इससे आगे हमें भी नहीं पता क्या है क्या नहीं, बस हम भी चले जा रहे हैं सीधे। गाइस रास्ते वाकई में बहुत ख़राब है यहाँ के, गाइस इससे आगे रास्ता दिख तो रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ जा रहा है रास्ता है। और ये कुछ लोग आ रहे हैं सामने से, तो भैंस भी आ रही है मेरे सामने से। भाई हमें जरा दो मिनट रुकना पड़ेगा, पता लगा व्लॉग बनाते बनाते उठा दिया हमें, गेट आउट कर दिया यहाँ से। अरे तो एक के बाद एक निकलती जा रही है। तो भाई सारी भैंस जा चुकी है, अब हम फिर से चल पड़ते हैं अपने अगले रूट की तरफ। अरे क्या गाइस आगे तो पानी है, अब क्या होगा। हेलो गाइस, पानी भी थोड़ा ठीक ठाक लगता है, क्या करें निकाले ना निकाले। चलो कोई और रास्ता नहीं है इसका, चलो देखते हैं गाइस, रिस्क लेना ही पड़ेगा। गाड़ी तो मैंने बड़ी इजीली पार कर ली, मुझे लगा पानी गहरा होगा, पानी कुछ दिख नहीं रहा था। चलिए गाइस और आगे चलते हैं। चलो यहाँ पर एक बार जंगली हाथी भी आए हुए थे सुना था हमने ऐसा, लेकिन गाइस आगे जाने में रिस्क लग रहा है क्योंकि जंगली मंकी जो है आगे बैठे हैं, इनका कोई भरोसा नहीं, लेकिन जा तो रहे हैं, लेकिन गाइस पीछे पीछे भाग ली दिक्कत हो जाएगी, क्या करें। चलते हैं इधर की साइड तो नहीं,
इधर से इधर की तरफ से निकलते हैं भाई, यहाँ रास्ते में काफ़ी हैं, इससे वीडियो सेफ रहेगा हम इधर से निकले, क्योंकि हमारे यहाँ के बंदरों का कोई भरोसा नहीं है। और गाइस ये रास्ता काफ़ी ख़राब है, क्या बात है गाइस, हॉर्न काफ़ी हैवी है हमारा। देखते हैं गाइस रास्ता और कहाँ कहाँ तक जाता है ये। गाइस यहाँ तो पहुँच चुके हैं हम बीच टापू में, इससे आगे देखते हैं क्या क्या है। ये तो पार नहीं कर सकते, क्योंकि गाइस ये पार करना थोड़ा नामुमकिन सा है, लेकिन इसका व्यू देखो गाइस एक बार आप, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। गाइस कैसी लगी आपको जगह ये, हम इस जगह पर सोच तो रहे थे काफ़ी आगे तक जाएंगे लेकिन आगे पानी है, लेकिन कोई नहीं गाइस हमें यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है, चलिए गाइस पानी की तरफ चलते हैं नीचे, देखते हैं यहाँ पर आके मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मौका लगेगा तो एक बार और आएंगे फोटो शूट के लिए कैमरा लेके। तो क्या करने का इरादा है यहाँ पे, इरादा तो कुछ नहीं है, बस ये दिखाने का व्यू लोकेशन यहाँ की, भाई यहाँ तो बहुत घूम लिया, चलिए आगे की तरफ चल के देखते हैं और क्या हो, दूसरे रूट पे चलते हैं। गाइस स्विफ्ट ने बचा लिए, बाकी और कुछ ही नहीं था, चलो बाहर तक चलते हैं। गाइस अगर जो कभी मौका मिला तो स्पोर्ट्स बाइक भी लॉन्ग ड्राइव पे लेकर जाएंगे, फिलहाल तो गाइस क्या करें, लेकिन गाइस हमारी ये बाइक काफ़ी लक्की है हमारे लिए, इसलिए हम इसको ही ज़्यादा पसंद करते हैं। इस साइड पे क्या, इस साइड पे चल के देखते हैं ना, इस रास्ते पे तो गाइस हम दूसरे रास्ते पे को आ गए, देखते हैं इस साइड क्या होगा, इस साइड तो आसन विराज के नीचे का सीन दिखाएंगे आपको, अभी तो फिलहाल हम ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ से चलते हैं,
गाइस ये ऑफ रोडिंग बहुत बेकार है यहाँ के ना। अगर खाली ऑफ रोडिंग हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर पत्थर काफ़ी ज़्यादा है जिस वजह से चलाने में दिक्कत होती है। तो ये क्या गाइस, यहाँ के रास्ते देखो, ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों का रास्ता हो, उसमें पानी चलता हो। गाइस ये हमारे यहाँ की आसन झील, जहाँ पर बोटिंग होती है, लेकिन आजकल बरसात की वजह से बोटिंग वगैरह कम करवा रखी है इधर की साइड। गाइस आज तो थोड़ा लेट हो रहा है, नहीं तो इसके अंदर जाने का भी मौका मिल ही जाता हमें आज। चलो कोई नहीं गाइस, चलते हैं। हमारे प्रोफेसर साहब कुछ सामान घर भूल गए थे, वो सामान लेने गए अपने घर पे, तो हम चलते हैं पर आ चुके हैं। तो गाइस आज ले रहे हैं स्पीकर का मज़ा, गाने चलाएंगे। गाने का तो प्रोफेसर साहब को ज़्यादा है थोड़ा, उन्होंने ही चला रखे थे। तो गाने देखिएगा इसके कैसे चला रखे। गाइस बेस देखिए इसकी, इसकी बेस ट्यूब, इसकी आवाज़ सुनाते हैं आपको। तो गाइस इनको पढ़ाई को लेकर कुछ डिस्कस चल रहा है यार, मेरा पीडीएफ कहाँ था दिखा के। सीपीयू रिपेयरिंग चल रही है गाइस यहाँ पे, मेरा फोटो ना रहता रहना नहीं भाई, प्रोफेसर साहब का ले लेंगे। और गाइस जब हम चढ़वा रहे हैं अपने कंप्यूटर में विंडो 10, इसका भी मजा लेने वाले हैं। तो गाइस मेरा भाई शर्माते हैं कैमरे मारने से पता नहीं, लेकिन ये इतने टैलेंटेड आदमी है कि इनका टैलेंट ना सिर्फ और सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ कि इनमें कितनी कमियाँ हैं। मजा कर रहा है गाइस, कमियाँ नहीं है गाइस, टैलेंटेड बंदा है, इसलिए तो मैं इनसे अपना जो कंप्यूटर रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, विंडो वंडो अपडेट करवानी हो उसके लिए मैं इन्हें कॉन्टैक्ट करता हूँ। बाकी ज़रूरी नहीं हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में भी इनका काफ़ी अच्छा खासा नाम है, क्योंकि ये आपको ऑफिस पर लाइसेंस वगैरह का काम करते हैं और भी साइबर कैफे का सारा काम ही कर लेता हूँ ऑनलाइन का। इस मीट माई न्यू फ्रेंड, गोल गप्पे से कम नहीं लग रहा, लेकिन स्मार्ट लग रहा है थोड़ा 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 नहीं पूरा पूरा। देख वे पोस्ट ऑफिस की टोपी कहाँ से लाया, बड़ा खाने में लग गया क्या भाई जी? हमारे साथ चैलेंज कर रहा है पंजा हटाने का, लेकिन देखते हैं। आ जाओ भाई, हार भी जाइए। हाँ मैं हार दूंगा, थोड़ा कॉर्पोरेट करना पड़ता है। तो गाइस मैच स्टार्ट नाउ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय कैसा लगा आपको आज का न्यू व्लॉग ये गाइस? अगर जो वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देना। और हाँ, जो चैनल पर अभी नए हैं, इसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइस सोच करो आपके भाइयों को चैनल है, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू गाइस।